नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कोकण रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट यहाँ पे निकली है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी है और फीस भी कुछ भी नहीं लगने वाली। तो चलो दोस्तों, देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, सैलरीज क्या मिलने वाली है और फीस कितनी लगने वाली है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए। सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों आप ओपन देख सकते हैं, आपके सामने ओपन हो चुका है नोटिफिकेशन कोकण रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। चलो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँ। ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL, और पोस्ट नेम आप देख सकते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर की है फाइनेंस के लिए, मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर है और अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए है। तो दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट निकली है, टोटल पोस्ट है 13। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए एक पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की दो पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर के लिए दो पोस्ट है और अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 13 पोस्ट आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप अगर यहाँ पर ग्रेजुएट हो, मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएट है आपका, अगर आपने CA किया है, CME किया है या MBBS है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 92,200, मतलब 92,200 रुपये दोस्तों यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 75,000 है, मतलब 75,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 65,650, मतलब 65,650 रुपये सैलरी देखने को मिल रही है। सेक्शन ऑफिसर को आप देख सकते हैं 55,700 रुपये यहाँ पे सैलरी है, और अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 34,200 रुपये, मतलब सैलरी बहुत ही बढ़िया है। तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई दी गई है, मतलब ये आपके पास काफ़ी समय है, करीबन करीबन 25 दिन के ऊपर दिन बचे हैं। तो 1 जुलाई तक आप यहाँ पे करीब अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है MO के लिए, AO और AA के लिए, और 40 ईयर्स है यहाँ पे SO एंड 45 ईयर्स है DGM, मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, और SO AS मतलब अकाउंट असिस्टेंट, और SO मतलब मैंने जो आपको पहले ही बताया था सेक्शन ऑफिसर। तो इस तरह से यहाँ पे कोड दिए गए, मतलब 35 साल से लेके 45 साल तक यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट है, और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और दोस्तों फीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर किसी को भी फीस नहीं लगने वाली। आप अनरिजर्व OBC हो तो भी नहीं लें, और आप SC ST PWD हो तो भी यहाँ पे नहीं लें, तो आपको यहाँ पे कुछ भी फीस नहीं लगने वाली। और दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम पूरा जो सिलेक्शन है वो टोटली इंटरव्यू के ऊपर होने वाला है, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों बाकी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपको लिंक देखना है ऑफिशियल का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार आप वो भी देख लीजिए। तो चलो जैसे ओपन होता है मैं आपके सामने समय, तो आप देख सकते हैं कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकला ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे तो DGM की एक पोस्ट, AO की एक पोस्ट, OSO की एक पोस्ट, AA की 5 पोस्ट, मतलब 5 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए और एक ST के लिए सॉरी, तो टोटल 7 पोस्ट। तो इस तरह से काफ़ी पोस्ट निकली आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस भी दिया गया है, मतलब रिक्वायर्ड है कि जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर है तो आप यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का यहाँ पे होना चाहिए, और दूसरा जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे 7 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है अकाउंट्स में, और जो अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 3 साल का अकाउंट्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पर मिल सकती है, तो आप यहाँ पे विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ आपको वहाँ पे वीडियो में नहीं मिलेगी, तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पे आके चेक करना ज़रूरी है। तो चलो बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से है, एज में रिलैक्सेशन क्या क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। 5 ईयर्स SC ST के लिए है, 3 ईयर्स OBC के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके चेक कर लीजिए। मेन चीज़ तो मैंने आपको बताई, आई होप सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे रोज़ आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सारी अपडेट्स रहती है। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई जॉब के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।